अभी स्टूडेंट्स जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि सर नेट पर फिजिक्स के 20 टीचर हैं, किसको फॉलो करें। केमिस्ट्री में बहुत सारे टीचर अवेलेबल हैं, जूलॉजी में, बॉटनी में, मुझे नीट की तैयारी करनी है, जेई की तैयारी करनी है, किसे फॉलो करूं, इतना तो मैं नहीं देख सकता। तो इसके लिए भाई इंडिविजुअली सॉल्यूशंस ना देके मैं आप लोगों के साथ अपना विचार शेयर कर रहा हूं। अच्छे से समझना, आपको एक टीचर सेलेक्ट करना है, ओनली वन, बाकी सबको भी आपको सपोर्टिंग टूल की तरह रखना है। ध्यान से समझिए, सिलेक्ट करने के लिए क्राइटेरिया क्या हो सकता है कि आप अपना ये देखिए अभी तक आपको सबसे अच्छा टॉपिक क्या आता है और सबसे कम क्या आता है। तो आप उन दोनों ही टॉपिक के कुछ लेक्चर्स या कुछ कंटेंट जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं टीचर्स के, उनके देखिए और फिर एक टीचर को सिलेक्ट करिए जो आपके साथ रेजोनेटिंग बिहेवियर हो, जो जिसकी बातें आपको समझ आ रही हो, जिसका कम्युनिकेशन आप सबसे अच्छा। मैंने इसलिए बताया कि आप जज भी कर पाए भाई कि वो कंटेंट उस लाइक है या नहीं, उसके बाद आपको उसी को फॉलो करना है, दूसरे ऑप्शन पे नहीं जाना भाई। लेकिन दूसरों को भी भाई रेस्पेक्ट देना है, जो चीज समझ नहीं आती सपोर्टिंग टूल की तरह दूसरों को यूज करिए, दूसरे लेक्चर्स को देखिए, लेकिन एक सूत्री प्रोग्राम की तरह, एक की तरह उसको फॉलो करिए। ये ऐसा ही है कि वंस यू डिसाइड वन बुक, आपने जब एक किताब डिसाइड कर ली किसी टॉपिक की, किसी सब्जेक्ट की, तो उसे फॉलो करिए। कुछ समझ नहीं आता तो दूसरी बुक्स पे जाइए, सपोर्टिंग टूल की तरह जाइए। इट इज लाइक ये वैसा ही है, एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। ध्यान से समझिए जो मैं बात बता रहा हूं, आपको पहले अच्छे से सिलेक्ट करिए और उसी को फॉलो करिए, बाकी सबको क्या है सपोर्टिंग टूल की तरह। वैसे ही ये वैसी ही बात है कि हम एक बार एक बुक को अच्छे से सिलेक्ट करने के बाद बाकी सभी को रेफरेंस की तरह यूज करते हैं, हम एक कोचिंग को सिलेक्ट करने के बाद बाकी सबको क्या है रेफरेंस की तरह यूज करते हैं। तो यही सही तरीका है, इसी तरीके के थ्रू आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा था यार, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये अपने विचार शेयर करूं। और आज दिन भी बहुत अच्छा है, दशहरा है, हैप्पी दशहरा, और आपको आप भी नव दुर्गा और दशहरा एनर्जी का प्रतीक है, और अपनी एनर्जी को कंसोलिडेट करके, पॉजिटिव एनर्जी को कंसोलिडेट करके, जो नेगेटिव एनर्जी रूपी जो दशहरा रावण है उसको आप पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे, पूरी तरह से आप उसे मतलब डिमिनिश मतलब खत्म कर देंगे। और मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत हैप्पी दशहरा।